मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। बिहार SI मतलब बिहार दरोगा की 2019 के लिए वैकेंसी आ चुकी है, तो उसकी आज पूरी डिटेल लेकर आए हैं। क्या सिलेबस है प्री का, क्या सिलेबस है मेन का, मतलब क्या प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस होगा और क्या मुख्य परीक्षा का सिलेबस होगा, ये हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ साथ निगेटिव मार्किंग आपको कितने नंबर की मिलने वाली है, यहाँ पर मतलब आपको गलत क्वेश्चन करने पर कितने नंबर काट ले जाएंगे, ये भी जानकारी हम इसमें देने वाले हैं। कुल पद कितने होंगे, शुल्क क्या देना होगा, ये सारी चीज़ें हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा समझने वाले हैं, एक एक चीज़ को समझेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, कहीं कोई बात मिस ना हो जाए। और इस वीडियो के बाद अब कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई प्रश्न फिर भी बच जाता है तो पूछ सकते हैं, यहाँ पर हम सभी जानकारी देंगे। जो भी मेन पॉइंट है सभी को हमने यहाँ पर इस वीडियो में उठाया है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए भाई, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है दानापुर पटना से, और यहाँ पर क्या आया है, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा के अंतर्गत वर्ष 2019 में पुलिस अवर निरीक्षक मतलब पुलिस सब इंस्पेक्टर प्राक्सर अवर निरीक्षक मतलब परिचारी एवं बिहार सरकार कारा एवं सुधार सेवा निरीक्षणालय गृह विभाग कारा के अंतर्गत सहायक अधीक्षक कारा सीधी भर्ती, सहायक अधीक्षक कारा भूतपूर्व सैनिक के रिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु सूचना ये दी गई है। क्या दी गई है भाई, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 22 अगस्त दिन बृहस्पतिवार से ये स्टार्ट हो रहे हैं, और तक कर सकते हैं आप 25 सितंबर 2019 दिन बुधवार तक आप इनको कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो SI की मेन वैकेंसी है, आपका जो मेन फोकस है सभी बच्चों का वो बिहार पुलिस SI का है, और यहाँ पर टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 2066 वैकेंसी टोटल निकली है। साथ साथ अगर बात करें परिचारी के पद के लिए तो 215 वैकेंसी है, और सीधी भर्ती सहायक अधीक्षक कारा के लिए 125 वैकेंसी, और सहायक अधीक्षक कारा भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर 42 वैकेंसी हैं। इस तरह से टोटल वैकेंसियाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आगे हम बढ़ें तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है परीक्षा की। यहाँ पर इन्होंने दो परीक्षा लेनी है, एक जो है प्रारंभिक और एक मुख्य, मतलब लिखित परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में क्या दिया है, आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा के दो चरण होंगे, प्रारंभिक और मुख्य। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, मतलब चाहे आप मेन दे रहे हैं या प्री दे रहे हैं, दोनों ही परीक्षाओं के लिए यहाँ पर बहुविकल्पी पेपर होने वाला है। अगर प्री की बात करें तो प्री में क्या है भाई, प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक अंक पत्र होगा, मतलब 200 अंकों का एक पेपर होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, मतलब सीधा सा एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का है, और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की है। परीक्षा की अवधि कितने की है भाई, 2 घंटे की है। उक्त प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान एवं सांप्रदायिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हम इसी का पूरा सिलेबस अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप जो है बिल्कुल अंत तक बने रहें, आपको एक एक पॉइंट क्लियर करा दिया जाएगा। तो इसमें हम सिलेबस भी बिल्कुल अलग से देखेंगे, लेकिन पहले मेन मेन चीज़ें नोटिफिकेशन देखते हैं। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, मतलब कम से कम 30%। जरूरी है आपके आने प्री में, इसके बाद ही आप जाएंगे मेन में। साथ साथ इन्होंने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार किया जाएगा, मतलब 20 गुना को बुलाया जाएगा, कम से कम 30% नंबर होने चाहिए। अगर यहाँ पर 30% से अधिक प्राप्त करने वाले अंकों वाले अभ्यर्थी ज़्यादा हो जाएंगे तो 20 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। अब मुख्य परीक्षा को देख लेते हैं क्या है भाई, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, मतलब 2 पेपर होंगे। प्रथम पहला पेपर 200 अंकों का होगा, सामान्य हिंदी का होगा, 2 घंटे का होगा, और 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का मिलने वाला है। 30% यहाँ भी जरूरी है।
अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी का प्राप्तांक मेघा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब यहाँ पर आप ये समझ लें कि ये वाले नंबर आपके, ये पेपर आपका क्वालिफाइंग है, इससे आपकी मेरिट नहीं बनने वाली। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच संबंधी होगा और यहाँ पर भी 200 नंबर का पेपर होगा और कुल 100 क्वेश्चन, मतलब 2 घंटे की अवधि। तो आपके एक तो प्रारंभिक और एक मुख्य है। प्रारंभिक परीक्षा में जहाँ केवल आपको एक पेपर देना है, वहीं मुख्य परीक्षा में दो, एक हिंदी का और दूसरा आपका सभी का, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन, विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, ये सभी चीज़ें आनी, गणित में आना है, रीजनिंग में आनी है, वो 2 घंटे का पेपर होगा। अब बात देख लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, बिल्कुल साफ लिख दिया इन्होंने, दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट लिया जाएगा। अगर आप गलत करते हैं तो एक नंबर के एक क्वेश्चन पर 0.2 नंबर काट लिया जाएगा आपका। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, उत्तर पुस्तिका की 2 प्रतियों होंगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित होगी। ठीक है जी, ये सारी बातें यहाँ पर कर दी गई हैं। इसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुने अभ्यर्थियों का चयन कोटि मेघावार शारीरिक दक्षता के लिए, मतलब फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा 6 गुने अभ्यर्थी, जितनी टोटल वैकेंसी हैं, मतलब जैसे 2064 है तो 2064 का अगर 6 गुना कर देंगे तो 12,000 प्लस बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं हम आगे जानकारी की तरफ कि क्या क्या चीज़ें और आपके लिए मेन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए मेजरमेंट की बात कर लेते हैं और आयु की बात कर लेते हैं। अगर आयु की बात करते हैं यहाँ पर, तो इन्होंने कहा है 1 जनवरी 2019 को जनरल के लिए 20 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 37, वहीं पिछड़े वर्ग के लिए 20 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 40, मतलब 3 वर्ष की छूट होगी। यहाँ अनारक्षित कोटि पिछड़ा वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 20 और 40 वर्ष तक यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम उम्र रखी गई है। एससी एसटी के लिए यहाँ पर 20 से 42 साल उम्र रखी गई है। तो आपकी जो है जनरल वालों के लिए 20 से 37 साल उम्र होने वाली है। अब अगर मेजरमेंट की बात करें तो यहाँ पर अगर जनरल में ओबीसी में हैं आप पुरुष वर्ग में, तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, और अगर अनारक्षित सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा अन्य वर्ग की महिलाएं हैं तो यहाँ 160 सेंटीमीटर इनकी जो है क्या होनी चाहिए भैया, हाइट, साथ साथ 48 किलो वजन भी होना चाहिए। एससी एसटी वालों के लिए, महिलाओं के लिए यहाँ पर केवल 155 सेंटीमीटर की हाइट और 48 किलो वजन होना चाहिए। सीने की अगर बात करें तो सीने के लिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो जनरल के लिए यहाँ पर 81 से 86 रखा गया पुरुषों के लिए, वहीं पर एससी एसटी के लिए 79 से 84 रखा गया है। 5 सेंटीमीटर से कम का फुलाव नहीं होना चाहिए, अनिवार्य है। 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव जरूरी है आपकी जो भी है। इसके बाद अगर बात करें हम फिजिकल की, तो दौड़ के लिए 1 मील की दौड़ होगी, 6 मिनट 30 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी और 6 मिनट का यहाँ पर समय मिलेगा आपको। ऊंची कूद, लंबी कूद की भी बात कर लेते हैं। पुरुषों के लिए 4 फीट और यहाँ पर आपको 4 फीट कूदना है, महिलाओं को वहीं पर 3 फीट कूदना है कम से कम। लंबी कूद की बात करें, ये ऊंची कूद थी, तो लंबी कूद की 12 फीट पुरुषों को कम से कम कूदना है और 9 फीट महिलाओं को। गोला फेंक में जो है ये 16 पाउंड का गोला होगा और ये 16 फीट कम से कम आपको फेंकना होगा पुरुषों के लिए, और 12 फीट फेंकना होगा, 10 फीट फेंकना होगा 12 पाउंड का गोला महिलाओं को। तो इस तरह से ये पूरी जानकारी रही। अब आगे अन्य जानकारी को देखते हैं, उससे पहले यहाँ पर अगर अलग अलग श्रेणी वार देखें तो किसकी कितनी सीटें हैं। एससी के लिए यहाँ पर 330 सीटें, एसटी के लिए यहाँ पर 21 सीटें, ओबीसी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 371, ओबीसी के लिए 248, ईडब्ल्यूएस के लिए 207 है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 62 है, और अनारक्षित के लिए 825 यहाँ पर टोटल वैकेंसी रखी गई हैं। तो टोटल अलग अलग वैकेंसी बता दी गई हैं आपको कि कितनी वैकेंसी किस किस में है। बाकी किसी अन्य पोस्ट के लिए आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हम उस पर भी आपकी वीडियो अलग बना देंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका मेन पॉइंट आता है वो आएगा आपका पेज नंबर 13 पे। आ चुके हैं हम पेज नंबर 13 पे, और पेज नंबर 13 पे अगर ये देखा जाए पॉइंट नंबर 6 क्या है भाई। पॉइंट नंबर 6 में जो मेन बात है अन्य बातों के अलावा, ये जो लाइन डार्क देख रहे हैं आप, ये मेन है।
आवेदक जो बिहार राज्य के निवासी नहीं है वो सामान्य वर्ग के रूप में चयन होगा। मतलब जो बिहार से बाहर के हैं और वो फॉर्म डाल रहे हैं, जैसे कोई यूपी का फॉर्म डालेगा बच्चा, तो जनरल में काउंट होगा, उसे कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला, चाहे वो यूपी से, ओबीसी, एससी, एसटी किसी से भी हो, लेकिन यहाँ पर उसका लाभ नहीं मिलने वाला। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर देखें तो पेज नंबर आपको 15 पर एक पॉइंट मिलता है इम्पोर्टेंट, किसका, फीस का। अगर फीस की बात करें यहाँ पर देखें, सामान्य वर्ग के लिए और ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए 700 रुपये रखी गई है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला फॉर्म भर रही हैं, और एससी एसटी को जो है यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों के लिए ही 400 रुपये। मतलब 700 रुपये जनरल के लिए, एससी एसटी के लिए 400 रुपये, ओबीसी के लिए 700 रुपये फीस रखी गई है। अब देख लेते हैं डिटेल से जो हमारा सिलेबस है वो क्या है, उसकी तरफ चलते हैं और एक एक पॉइंट को समझेंगे सिलेबस के। देखिए भाई, अगर सिलेबस की बात करें तो परीक्षा पैटर्न की अगर बात करें तो परीक्षा लिखित परीक्षा होगी और वो होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी क्वेश्चन होंगे। दो चरणों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, प्रारंभिक और मुखिया। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री पेपर की। प्री पेपर जो है आपका 2 घंटे का होगा, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, और यहाँ पर मुख्य परीक्षा में 2 पेपर शामिल होंगे और यहाँ पर भी 2 2 घंटे की इनकी समय अवधि होगी। पहला हिंदी का होगा 200 नंबर का, और दूसरा जो आपका पेपर होने वाला है वो सामान्य अध्ययन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पर 80 क्वेश्चन होंगे और 10 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के और गणित के भी इनमें पूछने जाने वाले हैं। 80 क्वेश्चन में आपका सामान्य अध्ययन होगा और 10 10 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के होंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, प्रारंभिक परीक्षा के अगर सिलेबस की बात करें, जो क्या सिलेबस है, जैसे संस्कृति और धर्म से संबंधित क्वेश्चन, मृदा मिट्टी संबंधित, नदियों से, पर्वतों से, बंदरगाहों, अंतर्देशीय बंदरगाह, स्वतंत्रता आंदोलन, खेल चैंपियनशिप विजेता, पद खिलाड़ी, रक्षा योद्धा और पड़ोसी, करंट अफेयर्स, भारत विरासत, कला नृत्य, इतिहास, भाषा, राजधानियां, मुद्रा के बारे में, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य, राष्ट्रीय पक्षी, पशु, खेल, फूल, गान, गीत, ध्वज, स्मारक, प्रख्यात व्यक्ति, सामान्य नाम, पूर्ण रूप से और संकेताक्षर, खोज, रोग और पोषण पुरस्कार और लेखक से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखें, ये काफ़ी चीज़ें हो गई, आपको क्या करना है, मेन चीज़ आपको करंट अफेयर्स, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स आप बिल्कुल तैयार कर लें, यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसके बाद आप जो भूगोल पर ध्यान दें, देखिए सारे टॉपिक आप अगर देखेंगे तो ये भूगोल के हैं, ज्योग्राफी के टॉपिक हैं। उसके बाद आप जो हैं जो पढ़े हैं इतिहास, वो आधुनिक इतिहास पढ़ें, आधुनिक इतिहास पढ़ें, और एक जो चीज़ मेन है वो ये है कि आप विविध विविध देखिए, विविध के काफ़ी टॉपिक हैं यहाँ पर, राजधानी, मुद्रा, राष्ट्रीय तथ्य, राष्ट्रीय पक्षी, खेल, फूल, गान, ये सभी क्या हैं आपको मिलेंगे विविध में। तो विविध पर भी आप जो है अपना पूरा फोकस रखें, साथ साथ इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पर आने वाले हैं, और साथ जो भी आपके जैसे इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, क्वेश्चन सभी से आने वाले हैं, लेकिन मेन फोकस आपका विविध पर और करंट अफेयर्स पर होना चाहिए। अब प्री पेपर आप कर लेते हैं पास, ऐसा बिल्कुल हम मानते हैं कि सभी बच्चे प्री पेपर को पास करेंगे, तो अब मुख्य पेपर में क्या करना है आपको, मुख्य पेपर के लिए आ जाइए भैया। सामान्य हिंदी की अगर बात करें तो गद्यांश आना है, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य सुधार, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वर्तनी, त्रुटि, रिक्त स्थान, मुहावरे, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि, वाक्यों में त्रुटियां, समास, स्त्री लिंग और पुल्लिंग, मतलब टोटल हिंदी का व्याकरण आप जो है तैयार कर लें। और मैं भी यहाँ पर आपको चैनल पर हिंदी की अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। तो यहाँ पर आपको ये पूरी की पूरी व्याकरण तैयार करनी है हिंदी की। इसके बाद अगर दूसरे पेपर की बात करें सामान्य अध्ययन में, तो भारतीय इतिहास है, भारतीय राजनीति है, वर्तमान घटनाएं मतलब करंट अफेयर्स, भूगोल, अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाने हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, बैंकिंग, खेल आदि पर भी ध्यान दिया जाना है। विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे भाई, बिल्कुल आप जो है साइंस को तैयार कर लें, साइंस में आप जो है बायोलॉजी पर मेन फोकस रखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री
और जीव विज्ञान 12वीं स्तर का इंटर लेवल का अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होने वाला। लेकिन मेन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो बायोलॉजी से आते हैं, तो आप बायोलॉजी जीव विज्ञान को बिल्कुल तैयार कर लें। नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल के इन टॉपिकों पर आप इसे ध्यान दें, भारतीय इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक पहलुओं, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों और भारतीय संविधान और राजनीति, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, बिहार की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति से प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब आप जो है इतिहास भी पूरा देख लें मेन पेपर के लिए, साथ साथ संविधान पर आप ज़्यादा जो फोकस करें, संविधान पर आप ज़्यादा जोर लगाएं, क्योंकि संविधान से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस वाले पार्ट में। अगर यहाँ पर देखा जाए 10 क्वेश्चन, देखिए भाई 10 क्वेश्चन आने हैं आपके किससे, गणित से। टॉपिक होंगे सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, औसत, पृथक्करण, कार्य समय, क्षेत्र फल वगैरह, लाभ हानि, सरल और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और गति, निवेश, एलसीएम, एचसीएफ, आईयू, बार ग्राफ, सचित्र ग्राफ और पाई चार्ट। मतलब लगभग आपको पूरा अर्थमेटिक तैयार करना है, कोई भी टॉपिक आपको बचना नहीं चाहिए। और यहाँ पर आप हमारे चैनल पर काफ़ी टॉपिक पढ़े हैं, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप अगर संख्या पद्धति से लेंगे, मतलब जो है नंबर सिस्टम, वो सरलीकरण में चला जाएगा, आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पूरा पढ़ा है, आप वहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका एलसीएम, एचसीएफ पूरा पढ़ा है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। और जो भी टॉपिक आपको दिक्कत करता है, आप बिल्कुल मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उसकी वीडियो अलग से बनाकर आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, हर तरह से आपके साथ हूँ, तो आप एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं बिल्कुल। अगर यहाँ पर रीजनिंग की बात करें, तो यहाँ पर आपको जो है रीजनिंग के भी मेन मेन टॉपिक सभी लेने हैं, जैसे समानता है, अंतर है, स्पेस है, और यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस है, डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग है, विजुअल मेमोरी है, और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप मतलब आपकी जो है रिश्तेदारी भी है, वर्बल और फिंगर, क्लासिफिकेशन भी है, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज भी है, और मौखिक श्रृंखला से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सारे रीजनिंग के जो नॉर्मल टॉपिक हैं वो हैं। अगर इस टॉपिक में भी कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल हमारे से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वीडियो बना दी जाएगी। तो ये पूरा सिलेबस आपने देख लिया कि भाई कहाँ से कितने क्वेश्चन आने, किस तरह से आने, आप तैयारी में लग जाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, आप समय बर्बाद बिल्कुल ना करें और लगातार प्रयास में बने हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको ये सफलता बिल्कुल मिलकर रहेगी, आपकी वर्दी होकर रहेगी, बिहार पुलिस की वर्दी आपकी होकर रहेगी। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।